स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को हापुड़ पुलिस लाइन में आयोजित एक समारोह में निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो जीवन में निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ें और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहकर मिसाल कायम करें। संग्राम की जो लड़ाई थी उसके बाद हमें आज़ादी मिली और फिर उससे आगे जैसे सिर्फ 75 साल हुए हैं हमें आज़ाद हुए, लेकिन जो हमारे अंदर की जो वो हैं इंडिपेंडेंस की फीलिंग्स हैं या जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हमारी हैं उनको कैरी करते हैं, उसका इतने यंग कंट्री के लिए मैं ये मानता हूँ कि वो जो चीज़ें हैं हमारे लिए ऐसे लगती हैं जैसे बहुत से सालों से हम उन जो अवधारणाएँ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उनको चेरिश करते आ रहे हैं। और आप सबके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि 2008 को जनपद के पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर ने इस अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित एक समारोह में जनपद के जागरूक कॉलर गांव महमूदपुर के अनुज कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नौजवान ग्रामीण अनुज कुमार तेवतिया ने यूपी 112 पर कॉल करके जानकारी दी कि एक महिला नहर में कूदकर अपनी जान देने जा रही है और पीआरवी की मदद से महिला को बचा लिया गया। मुसीबत के समय दूसरे के लिए यूपी 112 की सहायता लेने वाले अनुज कुमार तेवतिया को, जो कि एक जागरूक कॉलर हैं, एडीजी 112 अशोक कुमार सिंह की ओर से सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र देकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जल्दी